हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं न्यू स्टूडेंट के बारे में। ऐसे स्टूडेंट जो एसओएल में न्यू सेशन में एडमिशन लेंगे तो उनको यहाँ पे दोस्तों इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है कि इस साल से इनके एसओएल में दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग में दोस्तों कई सारे मेजर चेंजेस किए जाने वाले हैं। तो उसी टॉपिक के ऊपर दोस्तों इस वीडियो में बात की जाएगी, ऐसे कौन से चीज़ें हैं जिसके ऊपर चेंजेस किए जाएंगे। अगर दोस्तों आप एसओएल में न्यू एडमिशन लेना चाहते हैं और आपको हर एक अपडेट टाइम पे चाहिए तो आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को प्रेस करना है ताकि आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। यहां पे दोस्तों अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो जो भी एसओएल के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन रहती है वो आपको नहीं मिल पाएगी, इसलिए दोस्तों चैनल को यहाँ पर आपको सब्सक्राइब करने के लिए कहा जाता है। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर आपको बता दिया जाए कि ऐसे स्टूडेंट जो एसओएल में न्यू एडमिशन लेंगे तो इनकी जो ग्रेजुएशन का ईयर होता है दोस्तों आपको पता होगा, आपको अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के लिए 3 साल दिए जाते थे। मिनिमम जो टाइम दिया जाता था वो आपको 3 साल में अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करनी होती थी, लेकिन दोस्तों इस साल से आपकी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसके हिसाब से दोस्तों उसको यहाँ पे लागू किया जा रहा है दिल्ली के एसओएल डिपार्टमेंट में। तो यहाँ पे दोस्तों आपकी जो ग्रेजुएशन होगी वो 4 साल की हो जाएगी, जिसमें दोस्तों आपको 3 साल की जो ग्रेजुएशन होती है वो कम्प्लीट करवाई जाएगी और 1 साल के दोस्तों आपको किसी सब्जेक्ट या जिस सब्जेक्ट में आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं इसके बारे में या तो आपको कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी जाएगी या फिर हो सकता है आपको कुछ प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाए। अब यहाँ पे दोस्तों इसका बेनिफिट ये होता है कि अगर आप इस साल से अगर आपकी जो ग्रेजुएशन है 4 साल की हो जाती है तो इसके बाद में दोस्तों अगर आप कोई 2 साल का कोर्स करते हैं, फॉर एग्जांपल कोई भी मास्टर कोर्स करते हैं या फिर बीएड एलएलबी कोर्स करते हैं, तो जैसा कि आपको पता है जो इस साल से जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है इसके हिसाब से अगर आप 4 साल वाली ग्रेजुएशन कम्प्लीट करते हैं तो इसमें आपके जो आने वाले कोर्सेज करेंगे, चाहे एमकॉम हो गया, एमबीए हो गया या फिर आपका बीएड हो गया, एलएलबी हो गया, तो ये आपके जो कोर्स होंगे केवल 1 साल के होंगे। तो ये थी दोस्तों आपके ग्रेजुएशन का पहला मेजर चेंजेस। सेकंड है दोस्तों, स्टूडेंट को जो है एसओएल में पहले दोस्तों आपको कोई असाइनमेंट नहीं बनाने होते थे, केवल दोस्तों आपको एग्ज़ाम देने होते थे कि केवल आप एग्ज़ाम देकर अपने ग्रेजुएशन कम्प्लीट कर लेते थे। लेकिन दोस्तों इस साल से क्या हो रहा है कि आपको असाइनमेंट भी दिए जाएंगे बनाने के लिए, साथ में आपके जो एग्ज़ाम्स हैं वो भी कंडक्ट करवाए जाएंगे। अब इसके भी दोस्तों काफ़ी बेनिफिट्स होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप एसओएल के पुराने स्टूडेंट से पूछेंगे तो उनके जो मार्क्स आते थे या फिर ऐसा कह सकते हैं कि जो एग्ज़ाम दे के आते थे उनमें दोस्तों 75 मार्क्स का ही आपका जो क्वेश्चन पेपर होता था, जिसमें से आपको टोटल 75 मार्क्स के क्वेश्चन दिए जाते थे और जो 25 मार्क्स के रहते थे जिसमें आपको टोटल 100 मार्क्स बनाने होते थे। तो जो 25 मार्क्स होते थे दोस्तों वो एग्जामिनेशन ब्रांच वालों के हाथों में होते थे। तो इसके बारे में दोस्तों काफ़ी गड़बड़ी हो सकती थी कि जो एग्जामिनेशन ब्रांच है कि आपको कितने नंबर मिलेंगे। अब यहाँ पर दोस्तों आपके जो असाइनमेंट होते हैं इसको बनाने से आपके जो मार्क्स हैं उनमें काफ़ी इंक्रीजमेंट देखने को आपको मिलेगी। तो ये हो गया दोस्तों आपका असाइनमेंट की रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन। जो लास्ट वाला है यह है दोस्तों, इसमें आपके एसओएल में काफ़ी न्यू कोर्सेज लॉन्च किए जाने जा रहे हैं इस साल से। यहाँ पर जैसा कि आपको इन्फॉर्मेशन होगी कि एसओएल में दोस्तों केवल आपके भी 5 कोर्स ही कराए जाते हैं, लेकिन दोस्तों इस साल से एसओएल जो है काफ़ी न्यू कोर्सेज को लॉन्च कर रहा है, तो इसमें आपके जो एडमिशन के चांसेस है काफ़ी ज़्यादा बढ़ेंगे। लेकिन दोस्तों इसमें अभी ये कोई क्राइटेरिया नहीं बताया गया है कि उन न्यू कोर्सों में एडमिशन लेने के लिए क्या क्या क्राइटेरिया रखा गया है, किस तरह से आपका एडमिशन होगा, डायरेक्ट एडमिशन होगा या फिर आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होगा। और हाँ दोस्तों, जो ये सारे चेंजेस है ये केवल एसओएल के न्यू एडमिशन जो 2022 सेशन में एडमिशन लेंगे। तो दोस्तों ये थे आपके चेंजेस जो इस साल से होने वाले। चैनल पे दोस्तों फर्स्ट टाइम विजिट करें तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब